आज की वीडियो में हम जानेंगे एनवीडीए स्क्रीन रीडर को कैसे डाउनलोड किया जाता है और इंस्टॉल किया जाता है। मेरा नाम हबीब है, आप देख रहे हैं टेक्नो हैब यूट्यूब चैनल। चलिए रोज़ की तरह कुछ आज भी नया सीखते हैं। एनवीडीए की वेबसाइट पर चलते हैं। पहले ये देख सकते हैं आप, एनवीडीए स्क्रीन रीडर की वेबसाइट है ये। यहाँ पर फर्स्ट में डोनेट का ऑप्शन है, लिंक्स है, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब की लिंक है, ट्विटर की लिंक है, वो लोग की आप यहाँ पर देखिए, इस डाउनलोड पेज को देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको एक जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी डाउनलोड के लिए। अगर आप बग़ैर जीमेल आईडी के डाउनलोड करना चाह रहे हैं, एक्सटर्नल सर्वर जो होता है उसके द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेज है, देख सकते हैं आप, मेरे पास डाउनलोडेड है एनवीडीए स्क्रीन रीडर। मैं अब इस वीडियो में आपको डाउनलोड करके नहीं बताऊंगा, लेकिन डाउनलोड की लिंक यहाँ देखिए नीचे आपको मिल जाएगी, डाउनलोड एनवीडीए स्क्रीन रीडर। कई लोग को यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर डोनेशन का ऑप्शन पूछता है, देख सकते हैं आप, डोनेशन $30 वैसा कुछ पूछता है यहाँ पर ऑप्शन। यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नॉट नाउ या स्किप डोनेशन कहकर ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जीमेल आईडी पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड हो जाएगा आपका स्क्रीन रीडर। तो चलिए अब इंस्टॉल करते हैं एनवीडीए स्क्रीन रीडर को। मेरे डेस्कटॉप पर है, देख सकते हैं आप, ये बहुत छोटा फाइल होता है, कुछ 700 MB का फाइल होता है ये। एनवीडीए स्क्रीन रीडर एक फ्री स्क्रीन रीडर है, मेन बात मैं बताना भूल गया। ये बहुत फ्रीली यूज़र्स बनाए हैं ये स्क्रीन रीडर को दूसरे यूज़र्स के लिए। ये देख सकते हैं आप, एनवीडीए लाइसेंस एग्रीमेंट आ चुका है यहाँ पर। मैं जैसे ही एनवीडीए स्क्रीन रीडर पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं NVDA row 1 NV access dismissed task NVDA NVDA dialog folder view. अब आपको स्पोकन फीडबैक मिल जाएगा सुनने के लिए, यहाँ से इजीली इंस्टॉल कर दे सकते हैं आप। अगर आप स्पोकन फीडबैक आपको नहीं मिल रहा है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट में आई अग्री पर चेक कर दीजिए, स्पेस बार को प्रेस कर दीजिए, इंस्टॉल NVDA ऑन दिस कंप्यूटर बटन Alt+I, इंस्टॉल NVDA ऑन दिस कंप्यूटर पर एंटर प्रेस कर दीजिए। Install NVDA dialog to install NVDA to your hard drive. Please press the continue button. Use NVDA on the Windows logon screen checkbox checked Alt+L. Create desktop icon and shortcut key Ctrl+Alt+N checkbox checked Alt+D. यहाँ से आप डेस्कटॉप आइकॉन बना सकते हैं, यानी डेस्कटॉप आइकॉन आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं, अनचेक कर दे सकते हैं। अगर आप अनचेक कर देंगे डेस्कटॉप पर, आपको NVDA स्क्रीन रीडर का आइकॉन नहीं मिलेगा। Continue button Alt+C. Continue पर क्लिक कर दीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा ये थोड़ी देर में। मैंने जैसा कहा है, ये NVDA स्क्रीन रीडर जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी स्क्रीन रीडर्स के से कंपेयर करेंगे हम तो बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो डोनेट भी कर सकते हैं आप इस स्क्रीन रीडर के वेबसाइट पर जाकर। Success dialog successfully installed NVDA. Please press OK to start the installed copy. Okay. ये देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप ओके पर क्लिक करेंगे, ये कॉपी अब जो रन हो रही है वो क्लोज हो जाएगी और दूसरी कॉपी जो इंस्टॉल्ड हुई है अपने कंप्यूटर में वो ओपन हो जाएगी। ओके पर क्लिक कर दीजिए, टैप टैप प्रेस कीजिए फर्स्ट। इसमें फोकस चले जाता है कई बार, ये प्रॉब्लम होती है। अगर फोकस चले जाता है तो ऑल्ट टैब प्रेस करना होगा हमें। ये देखिए NVDA का वेलकम डायलॉग आ चुका है, जो आपको हर बार ऑन करने पर मिल जाएगा। अगर आप इस डायलॉग को नहीं देखना चाहते हैं, यहाँ से निकाल दे सकते हैं आप इस डायलॉग को, यानी हटा सकते हैं। Combo box desktop collapsed Alt+K. कीबोर्ड लेआउट, यहाँ से आप डेस्कटॉप कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा डिवाइस डेस्कटॉप है, अगर लैपटॉप होगा तो ये लैपटॉप देगा। अगर laptop. आप चाहते हैं लैपटॉप रख सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी लैपटॉप में डेस्कटॉप रख सकते हैं, आपकी मर्जी। कैप्स लॉक की को NVDA मॉडिफाई की कहा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो वो चेक होगी, दूसरी बार क्लिक करेंगे अनचेक हो जाएगी। Automatically start NVDA after I log on to Windows checkbox not checked Alt+A.
कई लोग की ये प्रॉब्लम होती है, ऑटोमेटिकली एनवीडीए स्क्रीन रीडर को अपने कंप्यूटर में ऑन करना चाहते हैं, या कई लोग के कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली एनवीडीए स्क्रीन रीडर ऑन हो जाता है। वो लोग यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे, अगर एनवीडीए जब भी ओपन होता है आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, अगर आपको एनवीडीए स्क्रीन रीडर ऑटोमेटिकली ऑन होना है तो क्लिक कर दीजिए इस चेकबॉक्स पर, अगर नहीं होना है अनचेक कर दीजिए उस चेकबॉक्स को। ओके बटन ओके पर एंटर प्रेस कर दीजिए। टास्कबार, तो एनवीडीए स्क्रीन रीडर कुछ इस तरह फंक्शन करता है, ये बहुत इजीली। मैं अब एनवीडीए स्क्रीन रीडर की वेबसाइट ही इससे पढ़ाकर सुनाऊंगा आपको। डिसमिस टास्क्स, एनवी एक्सेस, गूगल क्रोम, लिंक, लिंक्डइन, ये देखिए लिंक्स है, मैं कहना कहा था ना। विजिटेड आउट ऑफ लिस्ट मेन लैंडमार्क ग्राफिक द एनवीडीए लोगो हेडिंग लेवल 3 डाउनलोड एनवीडीए Download NVDA 2018.2, the latest version of the free screen reader made by users for users. New to NVDA, find out about its link features and link system requirements. तो आप देख सकते हैं स्पोकन फीडबैक जो है थोड़ा रोबोटिक है, कुछ देर लगेगी नॉर्मल यूजर्स को समझ में। जो जॉस यूज करते हैं उन्हें तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जॉस का अलग होती है वॉइस। अगर NVDA यूज करेंगे आप, कुछ टाइम लेगा आपको ये NVDA आपके साथ एडजस्ट होने के लिए, आप या इस स्क्रीन रीडर के साथ एडजस्ट होने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में NVDA स्क्रीन रीडर के वेबसाइट की। किसी और वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।